इस टूर्नामेंट की शुरुआत हमने जेएसडी से की थी 23rd को, वहां पर जेएसडी में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ और वहां से बच्चे सर पूरा घूमे और इन बच्चों ने सर आपका घर भी देखा, देखा था आपने भी अनुपम सर का घर। और उसके बाद बोट क्लब घूमते हुए बिरला मंदिर भी घूमे, एलएन मेडिकल कॉलेज में भी आप लोगों ने खूब एंजॉय किया। तो आप लोगों को मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत अच्छा तो लगा होगा, चलिए थैंक यू। तो सबसे पहले इस टूर्नामेंट को आयोजित कराने में जिन ऑफिसर्स ने अपना योगदान दिया उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि ऑफिसर्स के बिना हम सब अधूरे हैं। वो ऑफिसर जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, खड़े रहते हैं आप लोगों के डिसीजन के लिए, ना उनको अपने खाने की चिंता होती है ना पीने की चिंता होती है, लेकिन उसके बाद भी वो आपके रिजल्ट के लिए बराबर धूप में खड़े रहते हैं और अच्छे डिसीजन देते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय अंपायर है हमारे बहुत समय से जुड़े महेश सोदिया को आमंत्रित कर रहा हूँ। सर लाइव हो रहा है इधर, नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट और साइड हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के छात्र जो कि ऑफिसर की भूमिका निभाए इस टूर्नामेंट में विशाल यादव, आप भी आए और सम्मान प्राप्त करें। बीजों में शिक्षा ग्रहण कर रहा है यूनिवर्सिटी से जो ऑफिसर्स हमारे बीच में आए उनको मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। ललन सिंह जो कि होशंगाबाद से हमारे बीच में बता रहे हैं, कृपया है तो अपना सम्मान प्राप्त करें। तालियां लगातार बजी करिए बच्चों। आर के सर हेलो से हमारे बीच में बता रहे हैं और चारों दिन से बच्चों के साथ में रहे, आर के सर कृपया आप भी आए। ज्योति सराठे मैडम जो कि गर्ल्स स्कूल की बच्चियों के साथ में थी, छात्रावास से करीब 27 बच्चियों को ले गए और बच्चियों ने यहाँ पर पूरा एंजॉय किया। ज्योति मैडम का हम यहाँ पर सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, कृपया आप भी अपना बोलने की बात करें। साधकपुर से मैडम हमारे पीछे बता रही है, मैडम आप भी प्लीज आइए और अपना सम्मान प्राप्त करें। सत्यम राय जो कि जबलपुर से हमारे बीच में आए, सत्यम राय बेसबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर है, सत्यम राय बहुत अच्छे खिलाड़ी है और बहुत अच्छे कोच है। इधर आ जाओ, यहाँ से खींचो, लाइव भी होगा अच्छे से। हमारे बीच में कोच के रूप में आई अश्विनी विश्वकर्मा, और बकायदा बोल दो इधर देखने को, इधर से दिखा लिया करो। अश्विनी के बाद में बुला रहा हूँ संजय भलासी जो की मुंबई से हमारे बीच में, आप लोग को सबको फोटो मिल जाएगी, ऐसी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब उस चक्कर में इधर नहीं देख पा रहे हैं ना, बोल दो। सम्मान के बाद वो सेक्रेटरीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ होशंगाबाद सेक्रेटरी आदरणीय सतीश पिजोरे जी, जिनमें ग्रेन मास्टर है और बहुत अच्छी कोचिंग चलाते हैं, बहुत फेमस है पूरे होशंगाबाद में। जोरदार तालियां सतीश पिजोरे जी के लिए। मनिंदर बोल दिया करो। राजद के हमारे बीच में बता रहे आर एस राजपूत सर, कृपया आप भी आए सर और अपना सम्मान प्राप्त करें। उसके बाद अर्जुन पाटीदार जी जो कि साजापुर से, आप भी आए अपना सम्मान प्राप्त करें। अर्जुन जी भी हाल ही में हमसे जुड़े हैं। नेमी सिंह जो कि ग्वालियर से हैं, आप भी कृपया आए अपना सम्मान प्राप्त करें।
सिंह बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं, आप भी आए उनका सम्मान प्राप्त करें। देवेश शर्मा जी, क्योंकि बहुत समय से आप हमारे साथ जुड़े हैं, नरसिंहपुर के सेक्रेटरी हैं, आप भी आए उनका सम्मान प्राप्त करें। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि एक बार खेल है ड्रॉप रोबॉल, जिसमें कुछ हो ना हो लकीर जरूर होते हैं, है ना। और हर बार आपको पता है कि अनुपम सर आपके लिए चाहे कहीं भी टूर्नामेंट हो, पूरे प्रदेश में या देश में कहीं पर भी कॉम्पिटिशन होता है, अनुपम सर आपके लिए लकीर भेजते हैं। आपको पता है ना सबको, तो आप देख रहे हैं कि अनुपम सर खुद अपने हाथों से इस बार लकीर निकालेंगे और ये जो बैग है ना ये आपको देंगे। देखिए किसका नाम निकलता है, लकीर बहुत सारे, लेकिन कुछ हमारे अनुपम सर के हाथ से निकल जाएंगे जो कि बड़े बड़े हैं। उसके बाद हम लोग हैं आपके लिए। ये बैग किसको मिलेगा, उसका इंदौर सोहेब, इंदौर से इंदौर के खिलाड़ी सोहेब आए, अजय शाबाश। आयुष, हेलो बेटा,
इंदौर से शिवम पाटीदार, खरगोन से गणेश पाटीदार, बेटा सामने से, ग्वालियर से राज कुशवाहा, अहमदनगर से रजत यादव, रजत यादव और सादिक खान। नेक्स्ट अनाउंस करते हैं जबलपुर और सब जूनियर गर्ल्स में फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया राय से। इसके बाद जूनियर गर्ल्स ये सेकंड है जबलपुर। सेकंड जबलपुर और फर्स्ट राय से सब जिले गर्ल्स को ये इनर टीम है राज्य डिस्ट्रिक्ट। बड़ा सभी लोग नीचे बैठ जाओ तब अच्छा फटाया। चलो उसमें जानेंगे ओवरऑल से। जूनियर गर्ल्स में तृतीय स्थान प्राप्त किया भोपाल जिला। भोपाल गर्ल्स आए और उनका तृतीय स्थान का जो प्राइज है वो लेके आए। अजय इनके साथ जो है अजय जो भी इनके कोच है वो भी आए पुरस्कार प्राप्त करें। सब जूनियर गर्ल्स में सेकेंड प्राइज प्राप्त किया रायसेन बेटा। भाई जाओ ना आपको प्राइज आप जाओ चलो कोई बात नहीं जो खिलाड़ी भाई है स्पीड में काम कर रहे हैं। सेकेंड प्राइज रायसेन गर्ल्स। चलो जल्दी से आओ बना और फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है सीहोर गर्ल्स। अब इधर आ जाओ क्योंकि बड़ा स्पैन लेना है। आपने बहुत मेहनत की है। बस इधर आ बस। अब सब जूनियर बॉयज थर्ड प्राइज प्राप्त किया है बैतूल। सेकंड प्राइज प्राप्त किया है रेडी रहना भाई इंदौर। ये थर्ड प्राइज आगे के लिए लाइक करना शुरू कर। बोला लाइव कॉलेज है कॉलेज एस नहीं है अमित सर एस नहीं है।
ऐसे नहीं है। तो आपको पता है कि एलएनसीटी ग्रुप का एक पेज है जो हमने बुरहानपुर में आप लोगों से लाइव करवाया था, सारे फोटोज वगैरह उसमें आपको मिलेंगे जो भी फेसबुक चलाते हैं, लगभग 100% बच्चे चलाते होंगे। तो एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कॉलेज कंटिन्यू आपको पंकज सर देयर इज टू पेज एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेज कंटिन्यू एस नहीं एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेज कंटिन्यू में है। एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेज उस पेज को आप लाइक करें और उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको अपनी लाइफ में क्या क्या करना है ना वो भी सीखने को मिलेगा। जो हम सलाह लेने के लिए दूसरी जगह जाते हैं ना सब आपको उस पेज पे मिलेगा। आप बराबर उस कंटिन्यू उस पेज को देखते रहें, उसको लाइक करें, सारी चीजें आपके पास आएंगी और आप अपनी जिंदगी में तरक्की करेंगे। और ऊपर वाले से दुआ करना कि हम इतने अच्छे पढ़ने वाले होशियार बन जाए कि आपको एडमिशन मिल जाए एलएनसीटी और फिर आप बराबर तरक्की करोगे। ठीक है ना बेटा, शाबाश। अब हमने जूनियर बॉयज में थर्ड प्लेस प्राप्त किया होशंगाबाद। जूनियर बॉयज थर्ड प्लेस होशंगाबाद। जल्दी आ बच्चों, सेकेंडरी सर आप आइए। जल्दी ना होशंगाबाद। सेकेंड प्राइज प्राप्त किया रायसेन। इधर इधर देखो बेटा। जूनियर बॉयज, जूनियर बॉयज रायसेन सेकंड। जल्दी आओ बच्चों, रायसेन के साथ शुभम और महेश आप लोग आइए। और फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया एक बार फिर सीहोर। कोई खेल रहा है
हर कोई क्रिकेट खेल रहा है, हर कोई फुटबॉल खेल रहा है, हर कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, तो अगर आपने उसमें खेला तो कहते ना कि ऊपर बहुत भीड़ है, ऊपर मतलब पीक पे बहुत भीड़ मिलेगी, तो कुछ अलग करेंगे, कुछ दुनिया से अलग करेंगे तो आपको पहचान बनाने में आसानी रहेगी। और हम एज एलएनसीटी ग्रुप के मैनेजमेंट में फैकल्टी मेंबर्स जो हम लोग ऐसे खेलों में हम शुरू से कोशिश करते आए हैं कि कॉलेज में भी जो हमारा कॉलेज है उसमें भी हम ऐसे खेलों को आगे बढ़ाएं जो लीग से हटकर है। भाई लीग में तो आइए, जियो फेडरेशन कप हुआ उसमें एलएनसीटी की टीम हमारी विनर रही, पर पंकज जैन सर के सपोर्ट से पिछले 10 साल से बेसबॉल में भी हम चैंपियन हैं। और उनसे उन्हें अभी मेरे को टास्क ये भी बताया था कि अपन ड्रॉप रो बॉल और को हमने यूनिवर्सिटी खेलों में भी शामिल करवाया है, तो आप में से कुछ बच्चे जैसे आगे चल के कॉलेज के तो आगे की प्रतियोगिताओं में भी शामिल होने का मौका मिले। और इस आयोजन को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए भी मैं उनकी और उनके साथ की टीम को अपनी तरफ से बधाइयां देता हूं। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, अब अच्छा किया कि नहीं किया तो बच्चे अपने घर जाके बताएंगे, पर आज की डेट में तो मेरे को उनके चेहरे पर जो खुशी है उनकी व्यवस्थाएँ ठीक रही होंगी। और आगे भी अगर ऐसे प्रोग्राम हम अपने आप ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसे खेल आयोजन अपने करेंगे, तो आप लोग जरूर उसमें शामिल होंगे और अपने अपने जिलों का और आगे चल के स्टेट का नाम रोशन करेंगे। मैं फिर से सारे खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ और जो विनर्स हैं उनको एक्स्ट्रा बधाई, और जो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स बन के यहाँ से जा रहे हैं उनको अगले साल और मेहनत करके फिर विनर बनने की अभी से शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलएनसीटी जैसे कि सर ने कहा कि हमेशा स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में मोटिवेटर है, बच्चों को खिलाड़ियों को हमेशा उत्साहवर्धक करते रहते हैं। रायसेन जिले की जो टीम है हमेशा उसकी टी शर्ट पे एलएनसीटी रहता है क्योंकि हमेशा उसको स्पॉन्सर खड़ी करते हैं और जहाँ जहाँ पर अच्छे से इवेंट होते हैं वहाँ प्राइज ले जाने की कोशिश करते हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बच्चा है नितिन गुप्ता, आप खड़े हो जाओ मित्र। ये इंडिया नंबर वन प्लेयर है ड्रॉप रोबॉल का और ये हमारा सौभाग्य सर के आशीर्वाद से इसको एलएनसीटी में एडमिशन मिला है ना। तो जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं ना तो सर भी उसको सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये एलएनसीटी ई का स्टूडेंट है और इसके लिए जोरदार तालियां जो इंडिया नंबर वन प्लेयर है। और लास्ट टाइम जो हमारी एलएनसीटी यूसी की टीम ड्रॉप रोबॉल ऑल इंडिया में खेलने गई थी तो वहां से हम 12 सिल्वर मेडल लेके आए थे सर, तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। और अब ओवरऑल चैंपियन, ओवरऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन प्राइज हैं जो लास्ट मतलब ट्रॉफीज हैं। सबसे पहले ओवरऑल चैंपियनशिप में थर्ड प्राइज जिस टीम ने प्राप्त किया है, जिस जिले ने प्राप्त किया है, उस जिले का नाम है इंदौर जिला। सभी लोग नीचे आगे बैठ जाएंगे और जो उनके कोच है और कैप्टन है उससे वही ट्रॉफी लेंगे, है ना। आप सभी लोग आगे यहाँ सिस्टमेटिक बैठ जाए। आशीष जी प्लीज आप सिस्टमेटिक उठा लीजिए ना। ओवरऑल थर्ड इंदौर, 18 जिलों में जिस टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है वो टीम है इंदौर। कुछ दस भी आ जाए अच्छी आएगी, थोड़ा जल्दी आओ बच्चों, है ना। सारे बच्चे बुलाओगे और ओवरऑल चैंपियनशिप में बहुत टफ कॉम्पिटिशन रही है, बहुत टफ कॉम्पिटिशन रही है। उसमें मध्य प्रदेश की दूसरे सबसे जिले का नाम है रायसेन। रायसेन आए अपना आवाज पास करें सभी कोच मैनेजर सभी बच्चे बैठ जाए, छोटे छोटे बच्चों को खड़ा कर देते हैं।
अरे ये तो पूरे तो आ नहीं पाएंगे। अरे पूरे काहे बुला लिए, कुछ कुछ रुक जाओ, पूरे ही बुला लिए। चलो लाइव चल रहा है ना, लाइव चल रहा है फोन दो ना, बैठे बैठे क्या कर रहे हो, एक्टिविटी तो बंद हो, तो बंद हो क्या कर रहे हो, बैठे बैठे पूरा दिन जा रहा कहीं टाइम ही नहीं है। एक विक्ट्री सिंबल के साथ लेना ना, बेटा एक विक्ट्री सिंबल, तालियां। अब मैं ना आपको एक बच्ची के द्वारा जादू दिखाता हूँ, अंदर समय के अंदर सर्वा सर्वे 5 मिनट होने लगे। एक प्लास्टिक का डब्बा हो, आप देखेंगे, आप देखेंगे कितनी टैलेंटेड बच्ची है, और आप महसूस करना है ना हर चीज पे, अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां जरूर बजाना। इसका नाम है बिंदा सिंह सिवाज, ये 11th क्लास पे नीलकमल सरकार सर के स्कूल में पढ़ रही है। मेरा मोबाइल तो नहीं है, देखना किसी में माइक दे दो, माइक देख रहा है ना, प्लीज इसके बारे में ना बिल्कुल सर बताएंगे, प्लीज सर आइए। अरे आइए तो आइए प्लीज, आप ज्यादा अच्छे से बता पाओगे।
अभी अर्जुन भी एक नोट देंगे शो का, और जोरदार तालियां, ये पहला इनाम आपके लिए। अर्जुन भैया नोट दे रहे हैं शो का। नहीं बेटा, इसका नंबर बताएं। ये कोऑर्डिनेटर सर लाइव। ये अनुभव सर कैसे हो सकते हैं? अभी पहले भी तो तुमने बताया था। अच्छा, क्या पहने हुए? अच्छा, वेरी गुड। चलो, लास्ट, 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 लास
पहचानती है, देखो पहचानती कि नहीं पहचानती है ना, अमिताभ बच्चन। अरे सर आपने बोल दिया, आपको बता देंगे।